बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाईकोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? You are not complied my previous order, therefore I have rejected submitting in Hindi. I am not able to understand. हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड, यू आर नॉट कंप्लाइड माय प्रीवियस ऑर्डर, देयरफॉर आई हैव रिजेक्टेड योर क्लेम। तो एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। नो, आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं नहीं, रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। फुल बेंच तो 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। गिव द बुक। हां तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना कि एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है तब तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। मिस्टर प्लीज, व्हाई डोंट यू ट्राई टेस्ट माय ऑर्डर बिफोर द एलपीए बेंच? योर केस इज ऑलरेडी ओवर, आई हैव कॉल्ड द नेक्स्ट केस। नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाईकोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिविजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए, सुना गया। सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा, हर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट, द पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज इन हिंदी। इन व्यू ऑफ द अबव, ऑफिस इज डायरेक्टेड टू गेट ट्रांसलेटेड द हिंदी पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन टू इंग्लिश फॉर द ट्रांसलेटर सेक्शन ऑफ द पटना हाईकोर्ट। अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ हिंदी में होनी चाहिए, दलीलें हिंदी में दी जानी चाहिए और निर्णय भी हिंदी में दिए जाने चाहिए। संभवतः यह प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के लिए यह कदापि वर्जित नहीं है कि वह हिंदी में आवेदन फाइल न करे, और न ही किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कोई वर्जन है कि वह हिंदी में दलीलें न दे सके। और वास्तव में अनेक मामलों में इन बातों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये स्वर्ण सिंह बग्गा केस फुल बेंच से संपुष्ट हो गया, कह दिया गया कि भाई हिंदी में फाइल हो सकता है। अब अंग्रेजी अनुवाद की बात है तो यहाँ अनुवादक विभाग आजादी के पहले से है, इसी पर्पस के लिए। सर डोंट गिव लेक्चर सर, व्हाट एवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट यूर विथ रेफरेंस टू योर पिटीशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वह अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।